दुनिया भर में इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के लिए मशहूर पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान अब श्रीलंका के दौरे पर गए थे। वहाँ भी वही हुआ जो उनके साथ दुनिया भर में होता है, वहाँ भी उनकी बेइज्जती पर बेइज्जती हुई। आज के हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के श्रीलंका दौरे पर उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या करने से श्रीलंका की सरकार ने उनको रोक दिया, ऐसे कौन से कार्यक्रम थे जिन्हें कैंसिल कर दिया गया, और वहाँ पर जाकर इमरान खान ने कौन सी बड़ी बड़ी बातें की, और श्रीलंका ने किस तरह से उनके इस दौरे के दौरान अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान का कोलंबो में ये पहला दौरा है। इससे पहले वो 35 साल पहले जब वे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उस दौरान वो श्रीलंका गए थे। उस दौरान भी कुछ ऐसा हुआ था जो बेहद ही विवादास्पद उस समय में रहा था। उन्होंने श्रीलंका पाकिस्तान की उस टेस्ट सीरीज के दौरान अंपायरों पर आरोप लगाया था। उस दौरान उन्होंने अंपायरों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। हालांकि श्रीलंका की इस पहली ही यात्रा में इमरान की किरकिरी हो रही है। इस हफ्ते में दूसरी बार श्रीलंका की गोटबाया राजपक्षे सरकार ने उन्हें झटका दिया है। पिछले हफ्ते श्रीलंकाई संसद में उनके भाषण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। अब श्रीलंका के मुस्लिम सांसदों से मीटिंग के प्रोग्राम को शेड्यूल से हटा दिया गया है। इमरान के शेड्यूल के मुताबिक उन्हें श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस के लीडर रऊफ हकीम और ऑल सिलोन मक्कल कांग्रेस के लीडर रिशाद बाथियुद्दीन से मुलाकात करनी थी। इस मीटिंग को श्रीलंकाई सरकार ने शेड्यूल से पूरी तरह हटा दिया है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को ये सिर्फ 2 झटके नहीं लगे हैं, 3 झटके लगे हैं, बड़े बड़े झटके लगे हैं, जिनसे इमरान खान को थोड़ा चिंतित ज़रूर होना चाहिए। आइए इन झटकों के बारे में बात करते हैं। पहला झटका तो ये था कि संसद में होने वाला भाषण टाल दिया गया। दूसरा झटका, मुस्लिम सांसदों से मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। तीसरा झटका, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने वाले थे और अब वो वहाँ भी नहीं जा सकेंगे। आखिरी 2 कार्यक्रमों को कथित तौर पर सुरक्षा का हवाला देकर टाल दिया गया है। एक के बाद एक कार्यक्रमों को टालने के पीछे की हकीकत क्या है, आइए अब उस हकीकत की बात करते हैं। दरअसल श्रीलंका में लंबे समय से मुस्लिम विरोधी भावनाएं हैं। यहाँ बौद्ध समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों यहाँ के बौद्ध समुदाय ने मस्जिदों में जानवरों की कुर्बानी का विरोध किया। इस पर रोक के लिए रैलियां भी निकाली। कोविड-19 के दौर में आरोप लगा कि महामारी से मारे गए मुस्लिमों के शव दफनाने के बजाय जलाए जा रहे हैं। इमरान ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया और इसका विरोध किया। इमरान के कार्यक्रमों को एक के बाद एक कैंसिल करने के पीछे एक वजह तो ये मानी जा रही है कि श्रीलंका में लंबे समय से मुस्लिम विरोधी भावनाएं हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि राजपक्षे सरकार को क्या आशंकाएं हैं। इमरान ने अफगानिस्तान दौरे पर भी मुस्लिम कार्ड खेला था। श्रीलंकाई सरकार को आशंका है कि वे इस दौरे पर भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हर उस प्रोग्राम को इमरान के शेड्यूल से हटा दिया गया जिससे श्रीलंका में सवाल उठ सकते हैं। संसद में भाषण को तो साफ तौर पर इसलिए रद्द किया गया क्योंकि श्रीलंका को लगता है कि इससे भारत नाराज हो सकता था। आशंका थी कि इमरान वहां भी कश्मीर का मुद्दा ना उठा दें। आपको बता दें कि भारत ने कोविड-19 के दौर में श्रीलंका की काफी मदद की है। हाल ही में करीब 5 लाख वैक्सीन श्रीलंका मुफ्त भारत की ओर से भेजी गई। ये तो बात हो गई इमरान खान के 2 दिन के दौरे के दौरान उनके शेड्यूल से, यानी उनके दौरे का जो शेड्यूल था उसमें से किन किन कार्यक्रमों को हटा दिया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस दौरे के दौरान अब तक इमरान खान ने वहां पर किया क्या है। श्रीलंका जाकर भी इमरान खान ने चीन का ही प्रचार किया और वहां जाकर भी CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात कर डाली। उन्होंने श्रीलंका के साथ कारोबारी संबंधों को बढ़ाने की दिशा में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस ओर गंभीरता से देखता है और श्रीलंका का साथ चाहता है और श्रीलंका का साथ देना भी चाहता है। अब आपको बताते हैं कि जब इमरान खान की मुलाकात श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से हुई तो उसके बाद इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि उनके
पहले दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। ये हमारे कारोबारी संबंधों को मजबूती देने के लिए है। पाकिस्तान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। CPEC इसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। CPEC का मतलब मध्य एशिया तक संपर्क कायम होने से है। बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली CPEC चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी BRI भारत BRI की कड़ी आलोचना करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाला $50 अरब का CPAC POK से होकर गुजरता है। इस दौरान इमरान खान ने एक ऐसी बात और कह दी जो बेहद ही हास्यास्पद है। इमरान खान ने श्रीलंका का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने की बात कह दी। अब ये ऐसी बात है कि जो आतंकवाद फैलाने के लिए पूरी दुनिया में जिम्मेदार है, वही देश कह दे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपका समर्थन करेंगे। इमरान खान के द्वारा कही गई ये बात बेहद ही आयरोनिक लगती है, सच्चाई से कोसों दूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं।